हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम जो हमारा एमई रीजन होता है उसको हम क्लीन करने वाले हैं। तो एमई रीजन को कैसे हम क्लीन करेंगे आज हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो एमई रीजन क्लीन करने वाले हैं उसके लिए हमें एक बैकअप फाइल चाहिए होगी, जो कि बैकअप फाइल हमारे पास हमने जो ले रखी है वो आसुस X53E, जो हमारा लैपटॉप होता है उसकी हमारे पास यहाँ पे एक बैकअप की बायोस फाइल है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो हमारी ये बैकअप की बायोस फाइल है इसको हम अपने एमई एनालाइजर जो हमारा टूल्स होता है उसमें जाके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एमई एनालाइजर का जो टूल्स है वो डेस्कटॉप पे में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमें यहाँ पे दिखा कि जो इसकी जो फैमिली है वो एमी है। वर्जन को हम देखते हैं तो वर्जन यहाँ पे हमारा 7.04.1197 है। रिलीज जो इसकी है वो प्रोडक्शन है। टाइप जो है इसका रीजन एक्सट्रैक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमें देखनी होती है वो इसका SKU देखना होता है। तो SKU क्या है यहाँ पे 1.5 MB का है। और दूसरा इसका जो मेजर होता है वो 7 है, माइनर इसका 0 है। तो मेजर और माइनर भी हमें देखने होते हैं। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो इसका यहाँ पे 2011 का जो है वो दिखा रहा है 1/2/2011 का। साइज इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसमें हम देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। चिपसेट सपोर्ट जो है वो इसकी CPT है। और लेटेस्ट में देखें तो इसमें 9 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट टूल्स का हमने यूज नहीं किया है, तो इसलिए हो सकता है कि पहले भी अगर किसी ने इसको क्लीन एमी किया हो तो लेटेस्ट टूल का यूज ना किया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे नो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट टूल्स को यूज करेंगे और दोबारा से हम इस पूरे एमी रीजन को क्लीन करेंगे, जिससे भी एमी की जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही होंगी वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हमें देखो क्या क्या चाहिए होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने वर्जन को ध्यान में रखते हुए इसका हमें एक सिस्टम टूल्स चाहिए होगा और साथ ही साथ हमें इसकी एक रेपोसिटरी फाइल्स चाहिए होगी, जो कि एक एमी की ही अपडेटेड फाइल्स होती। तो इन दोनों चीज़ों को हम अपनी कलेक्शन से ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कलेक्शंस पे। तो यहाँ पे ये हम आ जाते हैं और ये हमारा जो ड्राइव है इसमें हमने अपना कलेक्शंस रखा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं लैपटॉप बायोस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे एक क्लीन एमी रीजन का जो हमारा डेटा है वो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं अपने सिस्टम टूल्स को ले लेते हैं। कौन सा सिस्टम टूल्स लेंगे इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एमी की फाइल है उसका वर्जन क्या है। तो वर्जन यहाँ पे 7 हमें मेजर में दिख रहा है, तो हम इसको ही वर्जन के अकॉर्डिंग यानी कि 7 के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजों को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो 7 दिख रहा है हमें यहाँ पे एमी सिस्टम टूल 7R2, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपली जो हमारा फोल्डर है उसमें जाके इसको पेस्ट करेंगे। इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने सिस्टम टूल्स को ले लिया है, इसके साथ ही हम इसकी रेपोसिटरी फाइल्स को भी लेंगे। तो सेम उसी फोल्डर में जिसमें हमने इसको सिस्टम टूल्स को रखा है वहीं पे हमारी रेपोसिटरी फाइल्स भी हैं। तो रेपोसिटरी फाइल्स हम देखें तो यहाँ पे हमारी सारी वर्जन्स की, चाहे वो एमई का फर्मवेयर रेपोसिटरी पैक हो, CSME का हो, TXE का हो या CSTXE का हो, सारा कलेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम आ जाते हैं एमई में और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वर्जन 7। तो वर्जन 7 देखें तो ये मेरा कहाँ पे है वर्जन 7 मेरा, तो ये रहा मेरा वर्जन 7। इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और सेम हम वहीं पे जाके इसको जो हमने फोल्डर दे रखा है उसमें हम पेस्ट करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कोशिश करिए अगर आप एमई को क्लीन कर रहे हैं तो एक अलग फोल्डर बना लें जिसमें हम सारे जो भी हमें जरूरत का डेटा है चाहिए होगा तो उसको हम कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे हम यूज करेंगे। और बाद में जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे, जिससे गार्बेज जो होता है हमारे सिस्टम में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने इसे।
और इसी के साथ हम जो हमारा रेपोसिटी पैक है उसको भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों मेरे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, तो ये जो रार में जो हमारी फाइल्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारा जो सिस्टम टूल्स है उसको ओपन करना है। सिस्टम टूल्स में हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है फ्लैश इमेज टूल्स, इसको हम ओपन करेंगे। और इसमें से हम कोई सा भी दो सिस्टम टूल्स के वर्जन आ रहे हैं, कोई सा भी एक हम यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारा 7.1 है इसको ही ले लेते हैं, और यहाँ से हमने इसे फिर से ले ली। तो फिर से हमने जो लिया है इसको हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ओपन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसने मुझे एरर दिखाया। तो हम वापस आते हैं, जो सेकंड वाला है इसको हम ले लेंगे। अच्छा एक चीज और है इसमें, इसने एरर इसलिए दिया शायद हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था, तो इस बार हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, ये हमारा यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम फाइल्स में जाएंगे और यहाँ इस पे हम फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फाइल शो नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने ऑल फाइल को सिलेक्ट किया, ये हमारी फाइल यहाँ पे शो हो गई, इसको हम ओपन करेंगे, इसको हमने ओपन कर लिया, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो जो फाइल्स थी हमारी शायद आई नहीं यहाँ पे, इसको हम ओपन करते हैं, इसको नो कर देते हैं। शायद कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले बुल्ड पे जाना है, जो ऑप्शन है हमारा टूल्स बार में, और बुल्ड सेटिंग पे हम यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पर भी हमें ये फाइल्स को भेजना होगा उसका लोकेशन हमें यहाँ पे देना होगा। तो लोकेशन क्या रहने वाला है मेरा, तो मैं इसको भेजने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप पे, भी नहीं भेजूंगा मैं इसको, डॉक्यूमेंट्स में भेजने वाला हूँ। और जो मेरी फाइल बन के जाएगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका नाम क्लीन एम आसुस आसुस X53 .win, इस नाम से ही मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप में, जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑप्शन है उसमें मेरी फाइल सी सेव होनी चाहिए। यहाँ पे जो टिक आता है जनरेट इंटरमीडिएट बुल्ड फाइल, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसको हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सोर्स पे आना है, हमें यहाँ से अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करना है। तो फाइल्स हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने जो रेपोसिटरी अपनी ले रखी है उस रेपोसिटरी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं, पीछे जाते हैं, बी कॉम्प में भी आइए, लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग्स में जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो रेपोसिटरी का पैक था उसमें हम यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा SKU था या फिर हमारा वर्जन था। तो ME में हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो SKU है हमारा वो 1.5 MB का, यानी कि हमें 1.5 MB का ही फाइल चाहिए। वर्जन मेरा 7.0.4 है, तो ये सेम दो वर्जन, मेजर, ये मेजर होता है हमारा, ये माइनर होता है, इनको हमें देखना है। बाकी यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो 7.0 में हमारा जो लेटेस्ट होगा ये भी 7.0, लेकिन ये 5 MB का है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मेरा क्या है, 1.5 MB का। तो मेरे लिए शायद ये बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक चीज और चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा, चलिए कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से, और यहाँ से हमारा जो 1.5 MB का लेटेस्ट है उसको हम यहाँ से, ये रहा मेरा, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बिल्ड कर देना है। जैसे हम इसको बिल्ड इमेज करेंगे, ये इमेज हमारी बिल्ड हो जाएगी, ये हमारी डन हो चुकी है।
इमेज हमारी डन हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब जहां भी हमने अपनी फाइल्स को सेंड किया था, जहां भी हमने अपनी फाइल को सेंड किया था, कहां सेंड किया था हमने इसको, डॉक्यूमेंट्स में। तो माई कंप्यूटर पे आ जाते हैं और ये जो हमारी आसुस की X53E की फाइल्स हमें डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमने फाइल्स को बनाया था वो फाइल्स हमारी यहाँ पे सेव हुई थी, वो हमें यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे और अपने सेम वही फोल्डर जो हमने बनाया है इसमें सारी हमारी फाइल्स और डेटा हमने रखा हुआ है उसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये फाइल हमारी क्लीन एमी हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे एक बार, चेक करने के लिए सेम हमें वही पैटर्न यूज करना है, इसको अपने एमी एनालाइजर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो हमारी नई फाइल है। तो नई फाइल हमारी ये वाली है क्लीन एमी आसुस X53। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एमी एनालाइजर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ तो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, एमी जो है वो मेरा ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं तो वर्जन जो है 7.0.4.1.1.9.7 है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, 7.0.10.1.2.0.3। तो ये हमारा चेंज हो गया, प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन है, टाइप हमारा रीजन एक्सट्रैक्टेड है, रीजन एक्सट्रैक्ट सेम है सब कुछ। SQ भी देखें तो 1.5 MB है, इधर भी है। और फर्स्ट बक्स देखें तो ये हमारा PCS सपोर्ट है, यहाँ पे नो है, यहाँ पर भी हमारा नो होना चाहिए। डेट देखें तो डेट भी यहाँ पे हमारी चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने लेटेस्ट ले रखा है, ये 22 फरवरी 2011 के समथिंग दिखा रहा है, चलिएगा। बाकी सारा सब कुछ हमारा यहाँ पे सेम है, ये लेटेस्ट नहीं लेने की वजह से ये पेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे नो आ रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नो आ रहा है, हम इसको कर सकते हैं, क्लीन एमी फाइल हमारी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो देखने से कुछ आपको समझ में आया, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को हमारी देखते रहिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।